प्यारे भाइयों और बहनों, आज के आशीर्वाद के कार्यक्रम में पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम आप सबको स्वागत है। सभी प्रेक्षकों को, देखने वालों को ईस्टर पास्का पर्व की शुभकामनाएं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा प्रार्थना यही है, स्तुति, वचन का प्रचार, गवाही और आराधना द्वारा आप सबको ढेर सारे आशीष मिले। हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों, हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों, हमको मिला पवित्र आत्मा यीशु के चरणों यीशु ने कहा वो सहायक जब आएगा वो मुझे महिमान्वित करेगा, वो तुम्हें सब कुछ याद दिलाएगा जो मैंने तुम्हें सिखाया। पवित्र आत्मा ही वो है जो ईश्वर का राज्य हम पर प्रकट करते हैं। कोई भी ये स्वीकार नहीं सकता कि यीशु प्रभु है जब तक पवित्र आत्मा की कृपा ना हो, और कोई भी ये नहीं कह सकता कि ईश्वर मेरे पिता है। पवित्र आत्मा ही विश्वासी को जब के जिंदगी को संचालन करता है तब वो कह सकते हैं, उसे ये गवाही होती है कि ईश्वर, मैं ईश्वर का हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं। आज उसी पवित्र आत्मा को हम पुकारते हुए कह रहे हैं, ए आत्मा ले चल मुझे उन मार्गों पर ले चल जहां पर मेरा यीशु है। यीशु के चरणों तले और यीशु के मार्गों पर चलने के लिए तू मुझे कृपा दे। ए आत्मा तू आ, ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में, ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में, हमको चरणों
मुझे सुनने वाले मेरे हर भाई मेरी बहन, हो सकता है कि आज आपका हृदय बोझ से दबा है, आप दुखी हो, व्याकुल हो, आप परेशान हो, जिंदगी का बोझा ढोते ढोते आप कहीं पर हार चुके हो। ईश्वर कहता है मायूस मत हो, जैसे उसने मार्था से कहा, मार्था मार्था तुम बेकार की बातों के बारे में बहुत चिंतित हो, पर केवल एक ही चीज आवश्यक है। ये प्रभु यीशु के वचन है, ये हमारे मसीहा के वचन है, हमारे मुक्तिदाता के वचन है। केवल एक ही चीज आवश्यक है, मरियम ने वो उत्तम भाग चुना है और वो उससे वापस नहीं लिया जाएगा। आइए हम भी मरियम के समान प्रभु के चरणों में आए, अपने जीवन को पूर्ण रूप से उसके पास समर्पित करें, ये जानते हुए उसके पास है अनंत जीवन के वचन। अगर हम भटके हैं तो हमें मार्ग दिखाने वाला वचन देगा, अगर हम दुखी हैं, हम व्याकुल हैं, चिंतित हैं, तो हमें सांत्वना देने वाले वचन देगा। अगर हम पाप के मार्ग पर गलत गंदा जीवन बिता रहे हैं तो हमें सुधारने वाला मार्ग क्षमा का वचन हमें बतलाएगा। आइए मरियम के समान प्रभु के पास आए। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 20 और वचन 19। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईस्टर पास्का पर्व के इस अवसर पर आज का ये जो विशेष संदेश है, हमें शांति मिले। प्रभु यीशु के मुंह से निकलने वाला ये संदेश कि हमें शांति मिले, और मैं जानता हूं कि ये शब्द शांति सैकड़ों लोग सुनना चाहते हैं और अनुभव भी करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं शांति हमारे दिलों से, हमारे जीवन से, हमारे परिवार से दूर है। कहीं ना कहीं हम इस शांति को अनुभव नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं ये शांति जो है, ये शब्द शांति और ये शांति का अनुभव हम में से सैकड़ों मील दूर है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और प्रभु यीशु इस अवसर पर, ईस्टर के अवसर पर, पास्का पर्व के अवसर पर आपसे और मुझसे कहता है, हम सबसे कहता है कि तुम्हें शांति मिले, हमें शांति मिले। कितना अच्छा है, ईस्टर का पर्व जो है, पास्का पर्व जो है, शांति के साथ जुड़ा हुआ है, आशा के साथ जुड़ा हुआ है, विजय के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहां देखते हैं एक कमरे में प्रभु यीशु के शिष्य बंद थे, एकत्र थे, वे डरे हुए थे, वे बंद थे, भय में थे, एकत्र थे, एक साथ थे, और फिर ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। तो यहां पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो देखने लायक है, सुनने लायक है, यह है कि ये सब भय से भरे हुए थे। उस कमरे में द्वार उन्होंने बंद किया था, वे डर रहे थे यहूदियों से। यहूदियों का भय था उन्हें कि हमारे साथ वो क्या करेंगे, हमारे साथ वो क्या करेंगे, कि हमारे साथ भी वो वही करेंगे जो उन्होंने यीशु के साथ किया। वे भयभीत थे और कमरे में बंद थे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस समय आप जिस कमरे में हैं, आपका मानसिक अवस्था क्या है, ये आप जानते हैं और प्रभु यीशु जानते हैं।
क्या आप भयभीत है, डरे हुए है, चिंतित है, व्याकुल है आपका मन? आपका मन का अवस्था क्या है ये आप जानते हैं और प्रभु यीशु जानते हैं। हो सकता है कि बिल्कुल शिष्यों के जैसे आप भी कमरे में बंद है और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि प्रभु यीशु 2000 साल पहले अपने डरे हुए भयभीत शिष्यों के बीच आकर खड़े रहे और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आज आपको यही बताना चाहता हूं, आप किस मानसिक अवस्था में हैं मैं नहीं जानता। आप दुखी हो सकते हैं, तकलीफ हो सकते में हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, गुस्सा में हो सकते हैं, भयभीत हो सकते हैं, डरा हुआ है, क्रोधित है। मन की अवस्था क्या है ये आप जानते हैं, लेकिन प्रभु यीशु आपके कमरे में आज ही प्रभु यीशु आ रहा है और आपके सामने है, और प्रभु यीशु आपके सामने खड़ा है और प्रभु यीशु आपसे कह रहा है तुम्हें शांति मिले। हो सकता है कि तुम इसी वाक्य को सुनने के लिए उतावले थे, क्या मैं कभी शांति अनुभव कर सकता हूं या कर सकती हूं। आपको भी ऐसा लगा होगा, मैं जिस परिस्थिति में हूं, जिस परिस्थिति से मैं गुजर रहा हूं, क्या मैं कभी शांति अनुभव कर पाऊंगा, कर पाऊंगी। तो आज आप सबको प्रभु यीशु यही बताना चाहता है कि आपका मानसिक अवस्था जो कुछ भी हो, हो सकता है कि आप किसी कुएं में गिरे हुए हो, लेकिन प्रभु यीशु आपके सामने खड़ा रह रहा है और प्रभु यीशु आपसे कह रहा है तुम्हें शांति मिले। अब मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये तो उस तरह का शांति है जो हम बंद कमरे के बारे में बात करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम खुद का कमरा बना लेता है, खुद का कमरा बना लेता है और अपने आप को बंद कर देता है। तो इसके बारे में हमें सोचना है, हम खुद का कमरा बना लेता है और अपने आप को उस कमरे में बंद कर लेता है। हम ना तो आगे जाते हैं ना तो पीछे जाते हैं, हम जहां हैं वहीं पर हैं। ये कैसा कमरा है, ये कैसा कमरा है जो हम खुद बना लेते हैं और उसमें किसी को प्रवेश करना भी कितना मुश्किल है। ये कैसा कमरा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? तो ये कमरा हो सकता है डर का या भय का, ये कमरा हो सकता है अवसाद का, अपने बुरे आदतों का कमरा, ये कमरा हो सकता है क्रोध का, ये कमरा हो सकता है कड़वाहट का, ये कमरा हो सकता है घृणा का, ये कमरा हो सकता है प्रतिशोध का। किसी ने आपके साथ बुरा किया तो आपको बदला लेना है, प्रतिशोध। ये कमरा हो सकता है व्यसन का, बुरे आदतों का। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये कमरा हम देख नहीं सकते, ये चार दीवारी वाला कमरा नहीं है, ये कमरा हमने खुद बनाया है और न जाने कितने समय से इस कमरे में हम बंद है। और बोलना नहीं, उदासी एक ऐसा भयानक कमरा है जिसमें हम खुद को बंद कर लेते हैं, ताला मार लेते हैं, हम नहीं चाहते कि कोई प्रवेश करे। उदासी, डिप्रेशन एक ऐसा कमरा है जिसमें हम अपने आप को बंद कर लेते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये डिप्रेशन या उदासी एक ऐसा कमरा है जिसमें हम अपने आप बंद कर लेते हैं, अपने आप को बंद कर लेते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई हमसे आकर बात करे, कोई हमसे आकर कुछ अच्छा भी करे, हम उसी अवस्था में रहना चाहते हैं। और देखते देखते ये उदासी के कारण, डिप्रेशन के कारण कुछ लोग अपना जान भी लेना चाहते हैं, आत्महत्या करना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
अगर आप ऐसे अवस्था में हैं, तो पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह आपके उस कमरे में प्रवेश करेंगे जहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता, जहां कोई मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु यीशु वहां प्रवेश करेंगे और करता है, और प्रभु यीशु आपसे कहता है तुम्हें शांति मिले। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत शक्ति वाला वाक्य है ये वचन है, तुम्हें शांति मिले। क्या आप और मैं, क्या हम यह नहीं चाहते कि हम शांति अनुभव करें? क्या हम ये चाहते हैं कि अशांति में रहे, दुख और तकलीफ में रहे? नहीं, दुख तकलीफ पीड़ा आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन हम सब यही चाहते हैं कि हम उसके परे, उसके ऊपर जिए, शांति अनुभव करें। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति का मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये बिल्कुल गलत सोच है, ये बिल्कुल गलत विचार है। हमें लगता होगा कि अगर मेरे जीवन में दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, तो मैं शांति अनुभव करूंगा। बिल्कुल नहीं। जैसे हम इस वचन में देखते हैं, दुख होगा, तकलीफ होगा, हम कई बार हार अनुभव कर रहे हैं, हम बिल्कुल विजय अनुभव नहीं कर रहे हैं, ये सब हम अनुभव कर रहे हैं, लेकिन शांति का मतलब प्रभु यीशु उस परिस्थिति में हमारे जीवन में, उस कमरे में मौजूद है, वहां उपस्थित है। शांति का मतलब ये नहीं है कि मेरे जीवन में कोई बीमारी नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रलोभन नहीं है, कोई परीक्षा नहीं है। शांति का मतलब ये सब होते हुए भी प्रभु यीशु मेरे साथ है और मैं प्रभु यीशु के साथ हूं, क्योंकि मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूं। ये वही प्रभु यीशु है जो विजयी प्रभु है, ये वही प्रभु यीशु है जो पुनर्जीवित प्रभु है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और प्रभु यीशु आपसे आज के दिन ये कहना चाहता है तुम्हें शांति मिले। हो सकता है कि आपके कान इस वचन को, इस वाक्य को सुनने के लिए तरसते थे, मुझे तुम्हें शांति मिले। हाँ, मुझे शांति मिले, आपको शांति मिले, हम सबको प्रभु यीशु का शांति मिले। जब प्रभु यीशु हमारे उस कमरे में है, हमारे जीवन में है, तो परिस्थिति कभी ठंडा तो कभी गर्म, कभी बरसात तो कभी सूरज, लेकिन अगर प्रभु यीशु हमारे साथ है तो हम शांति जरूर अनुभव करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम जिस परिस्थिति से गुजरते हैं उस पर प्रभु यीशु ने नियंत्रण लिया है, कंट्रोल लिया है। हमने कोशिश किया कि कठिन परिस्थिति पर हम नियंत्रण ले, लेकिन विफल हुए। जब हम प्रभु यीशु को हमारे परिस्थितियों पर, हमारे जीवन पर पूरा नियंत्रण देते हैं, लीजिए प्रभु यीशु आप कंट्रोल कीजिए, तो हम देखते हैं कि हम शांति अनुभव करते हैं। देखते देखते एक एक करके परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ हट जाता है। नए परेशानी आते हैं, नई तकलीफ आते हैं, लेकिन प्रभु यीशु विजयी है, पुनर्जीवित प्रभु है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक और वचन सुनेंगे, संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14 और वचन 27। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14 और वचन 27। मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ देता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं, वह संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, बीरू मत बनो। आप देखते हैं कि इन दोनों वचनों में हमने कुछ समानता देखा है, डर शांति, भय और शांति। ये दूसरा वचन ने हमने जो पढ़ा, यहां पर भी लिखाया, स्पष्ट रूप में लिखा है, जी घबराए नहीं, बिरू मत बनो। जो शांति मैं तुम्हें देता हूं ये संसार जैसी नहीं है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम भी विश्वासी हैं, लेकिन कई बार हम शांति को प्राप्त करने के लिए कभी शराब के पास, कभी अश्लील चित्र के पास, कभी गलत रिश्तों में हम फंस जाते हैं। और क्या शांति हमने अनुभव किया? बिल्कुल नहीं।
अब तो अशांति ही अशांति है, लेकिन पुनर्जीवित प्रभु यीशु, विजयी प्रभु यीशु हमको संदेश देना चाहता है, अगर मैं आपके कमरे में आ जाऊं, मैं आपके जीवन में आ जाऊं जो बंद है, मैं आपको शांति प्रदान कर सकता हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस ईस्टर पर्व के अवसर पर, पास्का पर्व के अवसर पर हम सब प्रभु यीशु के इस शांति को अनुभव करें, लेकिन जरूरी है कि हम विजयी प्रभु पर विश्वास करें, पुनर्जीवित प्रभु पर विश्वास करें। प्रभु यीशु विजय प्राप्त किया है पाप पर, शैतान पर, इस दुनिया पर उसने विजय प्राप्त किया है, मौत पर। अगर प्रभु यीशु इन सब पर विजय प्राप्त कर सकता है, हरा सकता है, और प्रभु यीशु अगर हमारे जीवन में है, हमने प्रभु यीशु को निमंत्रण दिया, तो हम भी इस विजय को अनुभव करेंगे। ये आपको विश्वास चाहिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। कई सारे विश्वास हार में हारा हुआ जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें ये विश्वास है ही नहीं कि वो उस पाप को हरा सकते हैं जो इतने सालों से उन्हें बंधन में रखा है। वो कभी विश्वास करते नहीं कि उन्हें अनंत जीवन प्राप्त होगा। वो कभी विश्वास करते नहीं कि उनके परिवार में सुख और शांति लौट जाएंगे। ये समय है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कि उस बंद कमरे में, मन के बंद कमरे में, हमारे जीवन के बंद कमरे में, हमारे परिवार जो बंद है, वहां प्रभु यीशु को, पुनर्जीवित प्रभु को हम निमंत्रण दे। आइए प्रभु यीशु मेरे जीवन में, आइए प्रभु यीशु मेरे मन में, आइए प्रभु यीशु मेरे परिवार में, और ये कृपा दे कि हम भी आपके शांति को अनुभव करें। हां मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बस हुआ हार में जीत कर हम प्रभु यीशु के शांति का अनुभव करें। जब प्रभु यीशु हमारे कमरे में आता है, बंद कमरा, जब प्रभु यीशु हमारे कमरे में आता है, तो हमें भी वो कहता है तुम्हें शांति मिले। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रार्थना करें। अब्बा पिता, हम अपने आप को समर्पण करते हैं। बस कुछ ही दिन पहले हमने ईस्टर के पर्व को मनाया, और प्रभु यीशु आप जैसे बंद कमरे में प्रवेश किए, हम आपको हमारे जीवन में निमंत्रण देते हैं। हमने जो खुद का कमरा तैयार किया है, नकारात्मक जो हमारे जीवन के कारण हमने जो खुद का कमरा पैदा किया है, उसमें हम निमंत्रण देते हैं। आइए प्रभु यीशु, हमारे जीवन में हम निमंत्रण देते हैं, हमारे परिवार में हम निमंत्रण देते हैं प्रभु यीशु, और हमारा यही प्रार्थना है कि आप हमें शांति प्रदान करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु हम आपके नाम पर करते हैं, आमेन। जय सु, मेरा नाम जेरी हेनरी है, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ, और मैं JY में पिछले 6 महीने से हूँ, और ये मेरा 3रा JY प्रोग्राम था, और डिवाइन रिट्रीट सेंटर में आके मेरा एक्सपीरियंस ये था कि 1-2 साल से मुझे इचिंग था, मतलब होता था नॉर्मली, और जैसे ही यहाँ एडोरेशन चल रहा था तो मुझे एहसास हुआ, जैसे ही मैं कर रहा था ना इचिंग, उतने ही टाइम फादर ने बोला कि जिन लोगों को इचिंग का प्रॉब्लम है वो उससे चंगाई पा रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और सच में मैं उसको अपने लाइफ में कर पाया कि सच में मुझे वो चंगाई मिला है। और यहाँ पे काउंसलिंग और पाप स्वीकार के द्वारा भी मेरे कई पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम थे, सवाल थे, यहाँ कने क्लियर हुए, और मैं ये चाहूँगा कि जैसे मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, मेरे फैमिली भी आए, अभी मैं दोस्तों के साथ आया हूँ, और आगे मैं अपने फैमिली के साथ भी आऊँगा, दोस्तों के साथ भी, और उन सबको भी ये एक्सपीरियंस कराना चाहूँगा, और आप भी आइए और इस
एक्सपीरियंस को कीजिए। धन्यवाद। आराधना तेरी सदा, तेरी महिमा हो सदा। आराधना तेरी सदा, तेरी महिमा हो सदा। आराधना तेरी सदा, तेरी महिमा हो सदा। आराधना 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 तेरी सदा, तेरी महिमा हो सदा। आराधना तेरी सदा, तेरी महिमा हो सदा। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। हम सब पुनर्जीवित प्रभु यीशु के सामने हैं। हम में से कुछ लोग घुटना टेके हुए हैं, कुछ लोग कुर्सी पर बैठे हैं, कुछ लोग हाथ उठाए हैं। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे मैं हमेशा कहते आया हूँ, हमें लगता होगा कि हम कमरे में अकेले हैं या सिर्फ हमारे परिवार के सदस्य प्रभु यीशु के सामने हैं। बिल्कुल नहीं। जब कभी इस धरती पर प्रभु यीशु की आराधना होती है तो स्वर्गदूत उतर आते हैं। स्वर्गदूत हमारे साथ हमारे प्रभु यीशु की आराधना करते हैं। तो वचन में लिखा है, एफिसियों को लिखा गया पत्र अध्याय पहला और वचन 20। एफिसियों को लिखा गया पत्र अध्याय पहला और वचन 20। ईश्वर ने मसीह वही सामर्थ प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से उन्हें पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठाया। इस वचन को मैं एक बार और पढ़ता हूं। ईश्वर ने मसीह वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से उन्हें पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठाया। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आराधना में हमें बस दो ही चीज करना है, प्रभु की आराधना करना है और अपने प्रार्थना याचनाओं को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करना है। बस, और बस हमें ये जो कुछ करना है, हमें विश्वास में करना है, अपेक्षा में करना है, क्योंकि हम सब प्रभु यीशु के चरणों के नज़दीक आए हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये समय है कि हम विजयी प्रभु की आराधना करें। द विक्टोरियस लॉर्ड, इस विजयी प्रभु की आराधना करें। प्रभु यीशु पुण्य शुक्रवार को अपने इच्छा के अनुसार आपके लिए और मेरे लिए अपना जान दे दिया और
उसके बाद पास्का पर्व के दिन, ईस्टर के दिन प्रभु यीशु पुनर्जीवित हुए। और ये पुनर्जीवन जो है, पुनरुत्थान्त जो है, हम सबको आशा का संदेश देता है। प्रभु यीशु जब पुण्य शुक्रवार को क्रूसित हुए और ईस्टर के दिन, पास्का पर्व के दिन पुनर्जीवित हुए, तो प्रभु यीशु ने पाप को हराया, मौत को हराया और शैतान को हराया। इन तीनों बातों को हमें याद रखना है। प्रभु यीशु ने पाप को हराया, शैतान को हराया और मौत को हराया। कहीं ना कहीं हम भी हमारे जीवन में हार जाते हैं, पाप के सामने हम अपना घुटना टेकते हैं, मौत के डर के सामने हम अपना घुटना टेकते हैं और शैतान के सामने हम घुटना टेकते हैं। इस आराधना के समय प्रभु यीशु हमें यही बताते हैं कि घुटना टेकना तो उसके सामने है जो पाप, मौत और शैतान को हराए। घुटना टेकना हम प्रभु यीशु, विजयी प्रभु यीशु के सामने हमें ये सीखना है। घुटना टेकना है तो प्रभु यीशु के सामने, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु विजयी प्रभु है। प्रभु यीशु पाप को हराए, मौत को हराए, शैतान को हराए। और ये तीन बात है जिसको लेकर हम में से अधिकांश लोग चिंतित है, डर लगता है, भयभीत हो जाते हैं। क्या मैं पाप में दोबारा गिरूंगा? गिरने के बाद मैं कैसे उठूंगा? क्या मेरे पापों को क्षमा मिलेगा? और यहां जब प्रभु यीशु पाप को, मौत को और शैतान को हराकर पुनर्जीवित हुए, तो हम सबको प्रभु यीशु यही आशा देते हैं कि ना तो पाप से डरना है, ना तो शैतान से डरना है, ना तो मौत से डरना है। पाप से हमें लड़ाई करना है, शैतान से लड़ाई करना है और मौत प्रभु यीशु देख लेंगे उस बात को। वैसे भी हम हमेशा इस पृथ्वी पर जीने के लिए नहीं आए हैं। ये पृथ्वी हमारा घर नहीं है, हमारा घर तो स्वर्ग में है। हम सिर्फ यात्री हैं और यहां इस पृथ्वी पर हम यात्रा कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस विजयी प्रभु के सामने है, आराधना कर रहे हैं। और ये हमारा भाग्य है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ स्वर्गदूत मौजूद है जो प्रभु यीशु, विजयी प्रभु यीशु की आराधना कर रहे हैं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे मैंने बताया, इसके पहले हम घुटना टेके पाप के सामने, तकलीफों के सामने, पीड़ा के सामने, दर्द के सामने हम घुटना टेके, हमारे बुरे आदतों के सामने, व्यसन के सामने हम घुटना टेके, उन लोगों के सामने जो हमें तकलीफ और परेशानी देते हैं। लेकिन याद रखना, यही प्रभु यीशु ने कहा है, अगर हमें बुराई को हराना है तो अच्छे कार्य से हमें बुराई पर जीत पानी है। और पुनर्जीवित प्रभु यीशु हमें यही सिखाते हैं कि पाप पर हम विजय पा सकते हैं। हो सकता है कि 99 बार हम पाप में गिरे, लेकिन प्रभु यीशु हमें कभी टुकराने नहीं वाले हैं। प्रभु यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है और उसी प्रभु यीशु के सामने हम सब उपस्थित है। वही प्रभु यीशु हमें मार्ग बताने वाले हैं कि कैसे जो पाप हमें सताते हैं उस पर हम विजय पा सकते हैं, जिस बात को लेकर हम आंसू बहाते हैं उस पर हम विजय पा सकते हैं, जो दुख और दर्द और तकलीफ हमें नीचे की तरफ खींचते हैं उस पर हम विजय पा सकते हैं। पुनर्जीवित मसीह हमें वही संदेश दे सकता है, विजय। हम साधारण लोग हैं, हम विश्वासी हैं, लेकिन हमें हार कर और डर कर नहीं जीना है। हम विजय पा सकते हैं अगर हम प्रभु यीशु के साथ संयुक्त रहेंगे, एक साथ रहेंगे, अगर प्रभु यीशु में विश्वास करेंगे तो हम भी विजय पा सकते हैं।
पाप पर, दर्द पर, तकलीफ पर, परेशानी पर, उन सारे लोग जो हमें सताते हैं, तकलीफ देते हैं, उन पर हम विजय पा सकते हैं। हो सकता है कि आज के पहले आप हमेशा हार कर ही जिए, लेकिन ये ईस्टर का जो संदेश है, पास्का पर्व का यही संदेश है कि हम जैसे प्रभु यीशु विजयी है, हम भी विजयी हो सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने कहा कि आज हमें बस दो ही काम करना है आराधना के समय। सबसे पहले विजयी प्रभु यीशु की आराधना करें, पुनर्जीवित प्रभु यीशु की आराधना करें, और दूसरी बात, हमारे प्रार्थना और याचनाओं को हम प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करें, रख दे। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर ऐसे कोई भी तकलीफ है, परेशानी है, दुख है, दर्द है आपके जीवन में, या आपके परिवार वालों के जीवन में, आपके मित्रों के जीवन में, पड़ोसियों के जीवन में, आप जिस पल्ली में हैं वहाँ किसी ने कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करना, तो आप सिर्फ अपने आप के लिए नहीं बल्कि उन सबों के लिए प्रार्थना जरूर करना। आप और मैं, हम सब इस विजयी प्रभु यीशु के सामने आराधना कर रहे हैं, और आराधना का समय सिर्फ प्रभु यीशु को ऊंचा उठाना नहीं है। जैसे हम प्रभु को आराधना करते हैं, हमारे प्रार्थना भी प्रभु यीशु सुनते जरूर है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वेदी पर अपने दर्द, बीमारी, पापों, समस्याओं को अर्पित करें और विजयी की अपेक्षा करें हमारे जीवन में, और हम भी यह प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में भी हम विजय को अनुभव करें। बीमारी पर विजय, दुख दर्द और तकलीफों पर विजय, हम जिस पाप से बंधे हुए हैं उस पर विजय जरूर। प्रभु यीशु के सामने आज हम सब है, पुनर्जीवित प्रभु यीशु के सामने, उसी आशा को लेकर अभी हम इस अंतिम आशीर्वाद को स्वीकार करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हो सके तो सभी के सभी अपने घुटना टेके और पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह, विजयी प्रभु यीशु मसीह से आशीर्वाद स्वीकार करें। सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके परिवार वालों के लिए, आपके मित्रों के लिए, आप जिस चर्च में जाते हैं, जिस पल्ली में जाते हैं, सबके लिए। आप आपके पुरोहित के लिए भी जरूर प्रार्थना करना, धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करना, हमारे डिवाइन रिट्रीट सेंटर के लिए जरूर प्रार्थना करना, और आशीष मांगे विजयी प्रभु यीशु से। ये आशीष मांगे कि हम भी हमारे जीवन में विजयी। आराधना 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 तेरी सदा, तेरी महिमा हो सदा। आराधना तेरी सदा, तेरी महिमा हो सदा। आराधना 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 आराधना।